आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो लेसन इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश एंड द टॉपिक इज़ ग्लोबल वार्मिंग पार्ट 3। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट वी विल कंटिन्यू आवर लेसन विद द लैंग्वेज वर्क। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ अप्रोप्रिएट कंपाउंड वर्ड्स और फ्रेजेज फ्राम द बॉक्स बिलो। नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं या कुछ फ्रेजेस हैं, वहाँ से हमें नीचे वाले सेंटेंसेस को फिल करना है। तो आप देखें, पहला जो है, पहला पार्ट हमसे पूछता है, पहले हम देखेंगे ऊपर कुछ कंपाउंड वर्ड और फ्रेजेस दिए गए हैं, हम वो पढ़ते हैं। वाइट हाउस स्लैश वाइट हाउस कॉमा ग्रीन हाउस स्लैश ग्रीन हाउस कॉमा ब्लैक बॉक्स स्लैश ब्लैक बॉक्स कॉमा स्ट्रॉन्ग होल्ड स्लैश स्ट्रॉन्ग होल्ड वाइट कॉलर स्लैश वाइट कॉलर। तो पहला पार्ट, सब पार्ट इसका, ए पार्ट, वी लिव इन अ ब्यूटीफुल डैश डैश। यहाँ पे हम ग्रीन हाउस लिखेंगे, ग्रीन हाउस यानी हम सब्ज़ मकान में रहते हैं, हमारा मकान जो है वो सब्ज़ कलर का है। तो इसका दूसरा पार्ट है, माई अंकल हैज़ बिल्ट अ ग्रीन हाउस नेक्स्ट टू हिज हाउस वेयर ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन विंटर। मेरे अंकल ने अपने मकान के पास में एक ग्रीन हाउस, आपने देखा होगा वो पॉली हाउस जो होता है, जो विंटर में हम बनाते हैं, एक ढांचा हमने बनाया होता है, उसके ऊपर हम पॉलीथीन लगाते हैं, तो उसके अंदर हम एक मखसूस टेम्परेचर के अंदर वेजिटेबल्स उगा सकते हैं विंटर में भी। तो वही यहाँ पे भी कहता है कि मेरे अंकल ने जो है अपने मकान के नज़दीक एक ग्रीन हाउस बनाया है जिसमें वो विंटर में वेजिटेबल्स उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं। दूसरा पार्ट, सब पार्ट ए, मोस्ट PhDs ओनली प्रेफर्ड वाइट कॉलर जॉब्स। बहुत सारे जो PhDs हैं वो वाइट कॉलर जॉब्स को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, ही वॉज़ वियरिंग अ पिंक शर्ट विथ अ वाइट कॉलर। वो एक शर्ट पिंक कलर की पहने हुए था जिसका कॉलर वाइट था। तीसरा पार्ट, सब पार्ट ए, वी लिव इन अ वाइट हाउस नियर द मॉस्क। हम एक सफ़ेद मकान में रहते हैं जो कि मस्जिद के पास है। बी पार्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लिव्स इन द वाइट हाउस। जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो जिस बिल्डिंग में रहता है, जिस इमारत में रहता है, उसको वाइट हाउस कहते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वाइट हाउस हम कहाँ पे, कौन सा वाइट हाउस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट, सब पार्ट ए, माय वाइफ कीप्स हर ज्वेलरी इन अ बॉक्स। मेरी बीवी अपने गहने जो है काले बॉक्स, काले संदूक में रखती है। बी पार्ट, द ब्लैक ब्लैक बॉक्स हैज़ बीन फाउंड, इट विल नाउ बी पॉसिबल टू फाइंड आउट वाई द प्लेन क्रैश्ड। हमारे जहाज़ों में जो है एक ब्लैक बॉक्स होता है जिससे तमाम बातें जो हैं पायलट्स की और ग्राउंड स्टाफ की, जो इन दोनों के बीच में बातें होती हैं, वो उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो कभी कभार अगर खुदा ना खास्ता किसी प्लेन को, किसी जहाज़ को हादसा दरपेश आए, तो हमें ब्लैक बॉक्स से पता चलता है कि असल टेक्निकल फॉल्ट क्या है। यहाँ पे भी यही कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स पाया गया, ढूंढा गया, अब हम ये बता सकते हैं कि प्लेन, जहाज़ जो है वो क्यों क्रैश किया, क्रैश हुआ। फिफ्थ पार्ट, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन हिज वाइफ। उसका अपनी बीवी पे बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है। तो बी पार्ट, द साउदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द रॉबर्स। स्टेट, रियासत का जो जनूबी हिस्सा है, वहाँ पे रॉबर्स, चोरों का एक बहुत मनो बहुत ज़्यादा उनकी चलती है, बहुत ज़्यादा असरो रसूख उनका है। तो यहाँ पे हम आज की लेसन यहीं पे कंप्लीट करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। अगले लेसन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस।